हेलो बच्चों, कैसे हो? पिछले वीडियो में हमारा इंट्रोडक्शन तो हो ही गया था। नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है पहला वीडियो का, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। फिर बता देता हूं, मैं हूं आपका नया टीचर कार्तिक कुमार। आपको यहां पे क्लास टेंथ का जितना भी चैप्टर, मतलब जितना भी सब्जेक्ट हो, सब पढ़ाया जाएगा, बस आप लोग रेगुलर आते रहिए, चैनल पर रेगुलर आते रहिए, बने रहिए, आपका सारा सब्जेक्ट पढ़ाया होगा। तो आज स्टार्ट करते हैं मैथ से। वैसे हम खास करके मैथ, सोशल साइंस और साइंस ही बताएंगे, बाकी जो होगा वो अलग टीचर हायर किए गए हैं, वो टीचर आपको बताएंगे, लेकिन हमारा जो है मैथ साइंस और सोशल साइंस वो बताएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं मैथ से ही। टाइम को कम वेस्ट करते हैं, टाइम किसी के पास नहीं होता, हमारे पास भी टाइम है, आपके पास टाइम है, तो टाइम को कम वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट सवाल पे ही आते हैं। तो मैथ पढ़ाएंगे, मैथ का पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। आप लोग किताब कॉपी लेके बैठिए और हम बता देते हैं पहले एनसीईआरटी के बुक से पढ़ाएंगे। एग्जाम का तैयारी करना, आप टाइम कम नहीं है, सीखना तो हर चीज है, आपको सीखना ही पड़ेगा, लेकिन आप लोग ज्यादा एग्जाम पर फोकस कीजिए। आप अभी ज्यादा एग्जाम पर फोकस कीजिए, एग्जाम का टाइम कम। तो क्या करेंगे, पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या, एनसीईआरटी के बुक में। और वास्तविक संख्या है तो उसमें पढ़ना क्या, उसमें एचसीएफ एलसीएम वही सब पढ़ना है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वो आगे जाके है, लेकिन वास्तविक संख्या में नहीं आता है वो सभी। तो वास्तविक संख्या में जो पढ़ेंगे, तो पहला चैप्टर प्रश्न वाली खोलिए, प्रश्न वाली एक दशमलव, उसमें देखिए लिखा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, पहला सवाल है इसमें। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या वो बताते हैं। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिक्स क्लास से, फाइव क्लास से, भाज्य बराबर यहां से लिखते, उधर नहीं दिखेगा, पूरा लिख देते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक होता है, गुणे, और क्या होता है? भागफल होता है, और क्या होता है? प्लस शेष होता है, या शेषफल, शेष बोलिए या शेषफल बोलिए, यही होता है। सिक्स क्लास से फाइव क्लास आप लोग पढ़ते हो, भाज्य बराबर, भाजक गुणे, भागफल, प्लस शेष, यही चीज पढ़ना है, लेकिन इसको थोड़ा नए तरीके से पढ़ना है। एचसीएफ पढ़ रहे हैं सिक्स क्लास में भी, लेकिन इसको आप नए तरीका से बनाना है। नए तरीका से कैसे बनेगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, वो नया तरीका है आपका, वो नया तरीका कैसे बनेगा, इसमें करेंगे क्या? भाज्य, भाजक, भागफल और शेष क्या होता है आपको बताइए, ऐसे करके जो भाग देते हैं, ऐसे भाग का चिन्ह है ना, भाग लेते हैं, तो उसमें भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, और भागफल क्या होता है, ठीक है? तो जिससे भाग लेते हैं कोई संख्या, मान लीजिए दो संख्या है, दो और चार संख्या है, दो से चार में भाग देना, तो जिससे भाग देंगे, मान लीजिए दो से हम चार में भाग देंगे, तो जिससे भाग देंगे वो भाजक होता है, जिससे हम भाग देंगे वो क्या होता है, भाजक होता है, जिसमें भाग देंगे वो भाग क्या होता है, जिसमें भाग देंगे वो भाज्य होता है, जिसमें भाग देंगे वो क्या होगा, भाज्य होगा, जिससे भाग देंगे वो भाजक होगा, और जितना बार में भाग लगेगा वो भागफल होगा। मान लीजिए दो से दो बार में लगेगा, ये दो से चार में भाग देंगे दो बार में लगेगा, तो जितना बार में लगेगा वो भागफल होता है, और जितना शेष बचेगा, जितना शेष बचेगा, चार में से दो गया तो, सॉरी, दो दुना चार होता है, ना, चार में से चार गया तो जीरो, चार में से चार गया तो जितना बचेगा वो क्या होता है, शेष होता है। ये सब पहले से ही आपको पता है, ये सब पहले से ही पता है, इसमें नहीं बताएंगे। इसमें क्या बताएंगे? इसमें दो संख्या होता है, पहले तो ये तो पता है कि दो संख्या होता है, तो पहली संख्या को ए मानना है, दूसरी संख्या को बी मानना है। पहली संख्या को क्या मानना है? ए मानना है, दूसरी संख्या को बी मानना है। भागफल का इंग्लिश क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का पहला अक्षर क्यू होता है, तो क्वाड्रेंट का पहला अक्षर क्या होता है? क्यू, तो बी गुणे क्यू हो गया। प्लस शेष, शेष का इंग्लिश क्या होता है? रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर का पहला अक्षर क्या होता है? आर होता है। रिमाइंडर का पहला अक्षर क्या होता है? आर होता है। इससे सूत्र क्या तैयार हुआ? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, याद रहेगा। ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या, याद रहेगा, याद नहीं रहेगा तो नोट कर लीजिए। और जब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए स्टेप सब है, लेकिन इसमें सवाल क्या है, पहला सवाल बुक में लिखे, तो बुक यहाँ पे है, देखिए 135 गुणे 225 है। पहला सवाल क्या है? 135 है और 225 है। पहला सवाल में देखिए 135 और 225 है, क्या है? 135 और 225 है। पहला सवाल में क्या है? 135 और 225, बुक लेके बैठे हैं ना। चलिए 135, उसको हल कैसे करें? इसको हल करने के लिए ए किसको माने, बी किसको माने, कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें बस ध्यान इतना रखना है, जो बड़ा संख्या होगा इस दोनों में से, जो बड़ा हो, ये छोटा भाई, ये बड़ा, जो बड़ा भाई हो उसको ए मानना है, बड़ा भाई को ए मानना है, छोटा को बी मानना है, बड़ा को क्या मानना है, ए मानना है, छोटा को बी मानना है। इसमें बड़ा देखिए क्या है, बड़ा क्या है, 225 है, छोटा 135 है, तो बड़ा को ये मानना है, बड़ा को ये मानना है, पहला स्टेप ये हो गया। आपको ये पहला स्टेप नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट हल करना है। हल में हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। पहला स्टेप क्या, ए माने बड़े वाली संख्या को, तो 225 हो जाएगा ए के जगह पे। लेकिन इससे पहले लिखेंगे क्या, हम चल कहां से रहे, ये फॉर्मूला से चल रहे, तो इस फॉर्मूला को लिखेंगे। ये फॉर्मूला का नाम क्या है? यूक्लिड विभाजन परिमेय का। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, या फिर
ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो ए किसको मानेंगे 225 को मानेंगे, 225 बड़ा है, बी किसको मानेंगे जो छोटा होगा वो। अब क्या करना है, क्यू और आर को निकालना पड़ेगा, क्यू और आर को निकालना पड़ेगा। क्यू और आर निकालने के लिए दो विधि, दो तरीका, विधि तो एक ही है, तरीका दो है। एक होता है जिसका माइंड तेज हो, एक होता है जो थोड़ा स्लो बनाते हो, बुरा नहीं मानिएगा। दो तरह का माइंड होता है, एक माइंड होता है जो बहुत स्लो काम करता है, एक माइंड होता है जो फास्ट काम करता है। जो स्लो काम करता है उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए तरीका भाग देंगे, उसके लिए क्या तरीका सिंपल है, भाग देंगे। तो 225 में कितना से भाग देंगे, 135 से भाग देंगे, ये उसके लिए तरीका है। और जो जिसका दिमाग थोड़ा फास्ट काम करता है, वैसे आप लोग का दिमाग फास्ट काम करता होगा हमें पता है, तो फास्ट से क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, भाग ही देना है लेकिन मन से देना है। अगर 135 से, अब यहाँ पे भाग दीजिए, 135 से अगर हम एक दो बार में लगाते हैं, पहले एक बार में लगाते हैं तो 135 का 135 ऐसे ही रहे, अगर दो बार में हम लगाते हैं, दो बार में लगाते हैं तो 135 गुना कितना होता है, 270 होता है। इतना आपको पहाड़ा सब याद होना चाहिए, या फिर गुना करना फास्ट में होना चाहिए। 135 गुना क्या होता है, 270 होता है। 270 तो हमको नहीं चाहिए, ज्यादा हो जाता है, कमी चाहिए, कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, डायरेक्ट एक लिख दीजिए, भाग क्या कीजिएगा, डायरेक्ट एक लिख देंगे। अब शेष कितना बचे, अब शेष कितना बचे, शेष कितना बचेगा, 225 में से कितना घटाएंगे, 135 एक बार में लगाएंगे, 135 सेकंड, 135 में 225 में से कितना घटाएंगे, 135 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 135 घटाएंगे। तो 225 में से 135 घटाएंगे, कॉपी लेके बैठे हैं, कलम लेके बैठे हैं, घटाइए कितना आता है, 90 आया, 90 आया कि नहीं, 90 आया कि नहीं, मन में सोचिए कैसे होगा, मन में कैसे होगा, मन में सोचिए 90 आता है, कितना आता है, 90 आता है। चलिए एक चौक ले लेते हैं, चौक खत्म हो गया, 90 आता है। इसके बाद अगला स्टेप क्या, ये तो फर्स्ट स्टेप था हमारा, पहला स्टेप था, ये स्टेप नहीं लिखेगा आप ऐसे करके, यहाँ का चेंज दीजिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो पहला स्टेप ये हो गया, अब दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप, स्टेप तब तक बढ़ते रहना है जब तक आर जीरो ना आ जाए, तब तक बढ़ते रहना है जब तक आर जीरो ना आ जाए, कब तक बढ़ते रहना है, जब तक आर जीरो ना आ जाए। अभी जीरो नहीं आया है, अभी जीरो नहीं आया, अभी 90 है, जीरो से बहुत बड़ा है, जब तक जीरो नहीं आया तब तक बढ़ते रहना है। तो अगला स्टेप बढ़ने के लिए क्या करें, सेकंड स्टेप में, तो हर स्टेप कैसे बढ़ेंगे, अब अगला स्टेप बढ़ने के लिए जो हमारा बी था उसको ए मानेंगे, जो बी था उसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे, याद रखना है। अगला स्टेप में यहां पर हम लिख देते हैं, सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप बी को ए बनाना है, बी को ए बनाना है, ए बनाना है, तथा आर को बी बनाना है, आर को बी बनाना है, सॉरी आर को बी बनाना है, बी बनाना है। ये बात आपको याद रखना है, याद रखना, फिर से बोल दे रहे हैं, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा बी था उसको ए बनाएंगे, जो हमारा बी था उसको क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, और जो आर था उसको बी बनाएंगे, जो आर था उसको क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे, जो आर था उसको बी बनाएंगे, आर को क्या करेंगे, बी बनाएंगे। तो आर को जो बी बनाएंगे, हर बार ऐसे ही करना है, जब तक जीरो ना आए तब तक बी को ए बनाते जाना है और आर को बी बनाते जाना, हर स्टेप में बी को ए और आर को बी बनाना, हर स्टेप में, हर स्टेप में, सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब के लिए, सिर्फ सेकंड के लिए नहीं है, थर्ड के लिए भी है, फोर्थ के लिए भी, फिफ्थ के लिए, जितना जब तक जीरो आए तब तक के लिए। सेकंड स्टेप बढ़ते हैं, सेकंड स्टेप बढ़ने के लिए क्या करेंगे, बी को ए बनाएंगे, 135 है बी हमारा, 135 को ए बना दिए, बराबर बी किसको बनाएंगे, बी किसको बनाएंगे, आर को बनाएंगे, ये बात बताए ना, तो आर को बी बनाएंगे, आर को बी बनाएंगे, 135 बराबर क्या हो गया, 90 हो गया, 135 बराबर क्या हो गया, 90 हो गया। अब देखिए 90 दुना 180 होता है, दो बार में तो लगेगा नहीं, 90 दुना 180 होता है, दो बार में नहीं लगेगा, कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, तो इससे गुना करेंगे, प्लस प्लस है तो प्लस शेष, शेष कितना बचेगा, 135 में से 90 घटाइए, कॉपी लेकर बैठना है, कितना बचेगा, 45 बचेगा, कितना बचेगा, 45 बचेगा, 135 में से 90 घटाएंगे कितना बचेगा, 45 बचेगा, 45 बचेगा। अब फिर जीरो नहीं आया, फिर जीरो नहीं आया, फिर अगला स्टेप बढ़ी, फिर थर्ड स्टेप में बढ़ी, फिर थर्ड स्टेप में बढ़ी, तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, बी को ए बनाएंगे, फिर बी को क्या करेंगे, ए बनाएंगे, तो बी को ए बना दिए, ये जो बी था हमको उसको ए बना दिए, 90 को ए बना दिए, और आर जो था वो आर जो है उसको क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे, तो 45 हो गया। अब बोलिए 45 गुना कितना होता है, 90 होता है कि नहीं, 45 गुना कितना होता है, 90 होता है। अब 90 में से 90 घटाएंगे तो कितना होगा, जीरो, 90 में से 90 घटाएंगे तो जीरो। अब देखिए जीरो आ गया, अब और आगे बढ़ेंगे, अब जीरो आ गया तो बस यहीं पे रुक जाना है, जीरो आ गया यहीं पे रुक जाना है। अब आंसर क्या होगा, अब आंसर क्या होगा, 90 होगा कि 45 होगा कि 2 होगा कि 0 होगा, आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, तो जिससे जीरो आ जाए, जिस संख्या से लास्ट में बी के स्थान पर जो है, जिससे जीरो आ जाए वही आपका एचसीएफ होगा, जिससे जीरो आ जाए लास्ट में जो बी बचेगा वही बी आपका आंसर होगा, जिससे जीरो आ जाए वो क्या होगा, आंसर होगा। तो आंसर पे लिखेंगे क्या, एचसीएफ कितना कितना था, कितना कितना था, 135 था और 225 था, यहाँ पे पोस्ट में लिख देंगे 135 225।
आंसर कितना होगा 45 होगा, 45 से जीरो आया तो आंसर कितना होगा 45 होगा, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया, समझ में आया कैसे बनेगा? हमको लग रहा है पूरा समझ में आ गया। आप लोग तेज विद्यार्थी हैं, आप लोग तेज विद्यार्थी हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, अभी कुछ नहीं करना है, पढ़ना है नेक्स्ट सवाल पे, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट सवाल पे पढ़ना है। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए तो नेक्स्ट सवाल है 867 और 255। वैसे नेक्स्ट सवाल क्या है, 196 और 38220 होगा, 196 और 38220 होगा, क्या है 196 और 38220। ये क्वेश्चन दिखने में सिर्फ हार्ड है, ये क्वेश्चन दिखने में सिर्फ हार्ड है, लेकिन इसका सलूशन एकदम आसान है। तो ये सलूशन हम अभी नहीं बताएंगे, हम आपका टेस्ट लेना चाहते हैं। आप इसको बना के कमेंट कीजिए, आप इस सवाल को बना के हमें कमेंट कीजिए। सभी का कमेंट पढ़ा जा रहा है, सभी का कमेंट पढ़ा जाता है, आप इसको बना के कमेंट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन को बनाइए, आप लोग कमेंट कीजिए। सारा क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन दिखने में बस हार्ड है, बता दे रहा हूँ। 196 और 38220 जो है सेकंड क्वेश्चन में, वो दिखने में बस हार्ड है, एक ही बार में कट जाएगा। ये आपको खुद बनाना है, कमेंट कीजिए बना के, कमेंट कीजिएगा बना के, कमेंट कीजिएगा बना के। चलिए अगला सवाल, तीसरा सवाल देखिए क्या, तीसरा सवाल देखिए क्या, तीसरा सवाल रूप में देखिए क्या, हाँ 867 और 255 है, क्या 867 और 255 है, 867 और क्या है 255 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे किए थे। क्या करेंगे, हल लिखेंगे, क्या करेंगे, हल लिखेंगे, क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल में क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a बराबर बी क्यू प्लस आर से। ये क्या है, यूक्लिड आयतन परिमेका है, क्या है, यूक्लिड आयतन परिमेका है, जिसको a बराबर बी क्यू प्लस आर से लिखते हैं, सूचित करते हैं, ऐसे समझ यही है। इससे चले यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यूक्लिड आयतन परिमेका ये भी लिख सकते हैं, जिसको लंबा लिखना है ये भी लिख सकते हैं, और इसको ये लिखना है शॉर्ट में लिखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर से ये भी लिख सकते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो एक किसको बनाएंगे, एक किसको बनाएंगे, बड़ी संख्या को ए बनाएंगे, छोटी संख्या को बी बनाएंगे, तो बड़ी संख्या क्या है 867 है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन लिख दीजिए, स्टेप वन लिख सकते हैं आप लोग, या फिर डायरेक्ट या का चिन्ह दे सकते हैं। स्टेप वन क्या है, स्टेप वन क्या है, स्टेप वन क्या है, ए को बी, ए किसको बनाना है 867 को भी बनाना है 867, बी किसको बनाना है 255 को बनाना है, 255 867 से छोटा है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, गुना का चिन्ह देना है। अब हमको क्या लाना है, क्यू और आर, क्यू और आर। तो देखिए 255 को दो बार में लगाएंगे तो 800 के पास नहीं पहुंचेगा। अब डायरेक्ट आप लोग देखिए दो से इसको गुना करके देखिए, इसको गुना करके देखिए कितना बार में लगाएंगे, 8 के बराबर हो जाए। लास्ट वाला को देखिएगा आप लोग, हमेशा लास्ट वाला को देखिए, दो से अगर 4 में गुना करेंगे तो 8 के बराबर तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये भी देखना 55 भी है, तो 55 में भी 400 होगा, तो 55 चौका कितना आगे हो जाएगा, तो 800 से ज्यादा आगे चल जाएगा, बहुत आगे चल जाएगा। अगर 4 बार में लगाते हैं तो क्या करेंगे, 3 बार में लगाएंगे, तब क्या करेंगे, 3 बार में लगाएंगे, तो 255 को 3 से गुना करेंगे कितना, 255 को देखिए 255 है, उसको 3 से गुना करना है। फर्स्ट लिख दीजिए, 5 × 15 = 16 × 6 = 7 कितना होगा, 765 होगा। डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए 765, यहाँ पे लिखना नहीं है, लिखना नहीं है यहाँ पे 765, 3 बार में लगाए ना, यहाँ पे 3 लिखना है, 765 आता है, 3 बार में गुना करने पर 765 आता है, तो 867 में से 765 घटाएंगे कितना होगा, 867 में से 765 घटाएंगे कितना होगा, 765 घटाएंगे कितना होगा, 102 होगा, 102 होगा, नहीं आप करके देखिए 102 ही आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, 102 आएगा, कितना आएगा, 102 आएगा, हम करके देखिए 102 आएगा। अब क्या करेंगे, अब अगला स्टेप क्या करेंगे, अब स्टेप सेकेंड, क्योंकि जीरो नहीं आया, क्योंकि जीरो नहीं आया है, तो अब क्या करेंगे, बी को ए बनाएंगे, बी को ए बनाएंगे, 255 ए बना दिए, और बी किसको बनाएंगे, आर को बनाएंगे, आर कितना है 102 है, 102 को आर बना दिए। अब क्या करेंगे, अब गुना का चिन्ह देंगे, फिर से वही क्रिया करेंगे जो किए थे, 102 गुना कितना होता है 204 होता है, 102 गुना 204 होता है, 102 गुना क्या होता है 204 होता है, ठीक है। अब 3 बार में लगाएंगे तो 300 पे पार हो जाएगा, 3 बार में कितना बार लगेगा, 2 बार में लगेगा, कितना बार लगेगा, कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, 102 गुना 204। अब क्या करेंगे, 255 में से 204 घटाएंगे, 255 में से 204 घटाएंगे, कितना बचेगा, 51 बचेगा, दिख रहा है आपको, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 5 में से 0 गया तो 5, 0 में से 2 में से 2 गया तो 0, कितना बचेगा, 51 बचेगा, कितना बचेगा, 51 बचेगा, याद है। उसके बाद फिर 0 नहीं है, अब फिर 0 नहीं है, अब क्या करेंगे, अब स्टेप थर्ड पे लेके जाएंगे, अब स्टेप थर्ड पे लेके जाएंगे, अब स्टेप थर्ड क्या करेंगे, फिर से बी को ए बनाएंगे, बी को ए बनाएंगे, 102 को ए बनाएंगे, अब बी किसको बनाएंगे, इस आर को बनाएंगे, आर को बना दिए बी। अब क्या करेंगे, 51 गुना कितना बार में लगता है, 51 गुना क्या होता है, 51 गुना 102, तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा कटेगा, तो आंसर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, रिमाइंडर तो 0 बची गया, अब इसके आगे नहीं करना है, अब क्या लिखना है,
HCF। अब क्या लिखना है HCF, HCF कितना कितना था आपका देखिए तो 867 और 255 था, 867 और 255 था, इसका आंसर कितना होगा, जिससे कटा जिससे कट के जीरो आया वही आपका आंसर होगा, बी का स्थान पर लास्ट में जो बचेगा वही आंसर होगा, बी का स्थान कितना बचा 51 बचा, यही आपका 51 आंसर हो गया, यही 51 आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं आपको यूपी व्यंजन प्रमेय का क्लियर हो गया होगा, एकदम शॉर्ट वीडियो में, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचना, ज्यादा लंबा चौड़ा भाग नहीं देना साइड को, डायरेक्ट यहीं पे बन जाएगा, अब साइड में भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, अब साइड में भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, आप हमें कमेंट कीजिए, आपको कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, नए हैं यहाँ पे कमेंट कीजिए मोटिवेशन मिलेगा, और वीडियो बनाएंगे और थोड़े जोर से पढ़ेंगे और थोड़े अच्छे से पढ़ाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है, तो नेक्स्ट चैप्टर में आप नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका थ्योरी सब बताएंगे, इस चैप्टर में और सवाल है, और सवाल है, ये तो पहला सवाल था, दूसरा सवाल है, यदि कोई ध्यान पूर्णांक छक्यू प्लस वन हो इस तरह का सवाल हो वो सब बताएंगे, पूरा क्लियर करके बताएंगे, चैनल से जुड़े ये, चलिए ओके।